को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबर के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीज की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन हुआ अलर्ट। जिला कलेक्टर कनाराम के निर्देश पर धारा 144 व आसपुर को 14 दिन तक पूरी तरह से सील करने का आदेश जारी किए गए हैं। आसपुर एसडीएम सुनील कुमार जिंगोनिया व डिप्टी निरंजन चारण ने आसपुर का दौरा कर थाना प्रभारी रिजवान खान को आवश्यक निर्देश दिए। आसपुर में सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी। दूध डेयरी होम डिलीवरी के लिए उपखंड अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। आसपुर में दुपहिया वाहनों और अन्य वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। आपातकालीन सेवा के अलावा किसी को आने जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। आसपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। कर्फ्यू के बारे में, आसपुर कस्बे में हॉस्पिटल में कार्यरत एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के पश्चात जो है उपखंड अधिकारी आसपुर के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर को आसपुर कस्बे में कर्फ्यू लगाने के लिए रिकमेंड किया गया था। कल शाम को ही जो मैं स्वयं जाप्ते के साथ में आ गया था थाना अधिकारी के पास में, हम लोगों ने कल ही कर्फ्यू इम्पोज करने की तैयारी कल ही कर ली थी हम लोगों ने। और जैसे ही कर्फ्यू का लगाने का ऑर्डर हुआ है कोविड-19 की इस प्रॉब्लम को देखते हुए 500 मीटर के एरिया में कर्फ्यू लगाने का ऑर्डर हुआ, उसके बाद में हम लोगों ने कर्फ्यू लागू कर दिया है यहाँ पर। उसका अनाउंसमेंट भी करा दिया है हम पर, और सुबह से थाना अधिकारी और जाप्ता जो लगा हुआ है वो जगह जगह जो आने जाने की जो आम रास्ते हैं जहाँ से पब्लिक का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है उस मूवमेंट्स को रोकने के लिए हम लोग टोटल जो रास्ते हैं वो बंद कर रहे हैं। एक ही रास्ता चालू रहेगा यहाँ पर, जो मेन रोड जो यहाँ से सागवाड़ा के लिए और जा रहा है यहाँ जो बांसवाड़ा उदयपुर रोड है वो चालू रहेगा। बाकी रोड सारे हम लोग मोबिलिटी कम करने के लिए या मोबिलिटी को बंद करने के लिए बाकी सारी रोड बंद कर रहे हैं। जी कृषि के अंदर जो लोग जा रहे हैं खेतों में उनकी कोई पाबंदी नहीं, किसी तरह का मूवमेंट नहीं होते। रही बात जो है आवश्यक जो मेडिकल फैसिलिटीज है या हॉस्पिटल जाने की बात है, हॉस्पिटल में जाने से हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। किसी व्यक्ति को या किसी नागरिक को कोई प्रॉब्लम है, बीमार है वो या उनको कोई तकलीफ है, उन्हें हॉस्पिटल जाना है तो बिल्कुल हम नहीं रोकेंगे। हमारे मुलाजमानों को निर्देशित किया गया है कि वो हॉस्पिटल जाने वाले किन्हीं भी लोगों को नहीं रोके। सर, कल से पुलिस विभाग में भी कोरोना पॉजिटिव कई पुलिस विभाग वाले कार्य कर रहे हैं, उन पर भी ये पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो अभी विभाग के बारे में अपने क्या अवगत करा के विभाग वाले को क्या सुरक्षा है पुलिस विभाग में? जी मान्य श्रीमान एसपी साहब भी लगातार जहाँ जहाँ विजिट कर रहे हैं वहाँ मुलाजमानों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को बिल्कुल वो समझाइश की कर रहे हैं कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस या कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जो उसकी सुरक्षा के उपाय जो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की है, वो राज्य सरकार ने जारी की है चाहे केंद्र सरकार ने जारी की है, उस एडवाइजरी के अनुसार जो मुलाजमानों को बार बार हाथ धोने, हाथों को सैनिटाइज करने और मुंह पर और नाक पर और चेहरे पर हाथ को फेस पर हाथों को नहीं लगाने तथा अन्य जो सावधानी दी गई है वो उसके बारे में बार बार हम मुलाजमानों को निर्देशित कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं विजिट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं दौरे पर जा रहा हूँ या जहाँ जहाँ मेरा मुलाजमानों से मुलाकात होती है नाकों पर ड्यूटी पर विंटों पर, उन मुलाजमानों को बाकायदा हम लोग समझाइश कर रहे हैं कि वो लोग जो गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनकी पालना करें। सर, एक बात यूँ थी कि होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोग कहीं बाहर निकल रहे हैं और प्रशासन का ये है कि पुलिस विभाग अगर कोई बाहर निकलता है तो उसको 1,000 रुपये की काटी जाए रसीद, तो उनके लिए पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? हमें जहाँ जहाँ जो होम क्वारंटाइन में सरकार के द्वारा, उपखंड अधिकारी के द्वारा या तहसीलदार साहब के द्वारा जिन जहाँ नोटिस दिए जाकर होम क्वारंटाइन के लिए लोगों को पाबंद के लिए किया गया है नागरिकों की, वो होम क्वारंटाइन में रहें, अगर वो होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर दरियाबाद में कांग्रेस पार्टी लगातार गल्फ कंट्रीज में फंसे क्षेत्र के प्रवासियों को लाने की कोशिश कर रही है। जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह गठेला इस ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच लवसेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेरुलाल लबाना ने भी दोनों से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज हमने प्रतापगढ़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी राणावत को हमने लवसेना की तरफ से ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग रखी है कि वे गल्फ कंट्रीज में जितने भी हमारे अप्रवासी मजदूर काम के लिए गए हैं
वो पिछले 2 महीनों से बेरोजगार हो गए हैं और खाने पीने की, रहने की और बहुत सारी समस्या उनके सामने पैदा हो रही है, जिसकी वजह से उनके परिवारजन काफ़ी चिंतित है और परिवारजन यहाँ पर काफ़ी चिंता कर रहे और यहाँ से ये गुहार लगा रहे कि जल्द से जल्द उनको अपने वतन वापस, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने प्रयास करके जल्द से जल्द अपने वतन उनको लावे, यही हमारा राज्य सरकार से अनुरोध है और निवेदन है। जय हिंद। प्रवासी भाई हमारे जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए मेरे पास आप लोग सब लोग इस क्षेत्र से आए हैं और हमने हमारी तरफ से ज्ञापन भी दिया है, जिला प्रशासन को दिया है ताकि प्रधानमंत्री जी को पहुंचाया जाए और उसके बाद में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्तालाप करके और वहां भी निवेदन किया है कि हमारे जो फंसे हुए इस क्षेत्र के अंदर, कुवैत के अंदर, दुबई के अंदर और गल्फ कंट्री के अंदर जितने भी हमारे इस क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़ और दरियावद क्षेत्र के जितने प्रवासी फंसे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से बड़ी समस्याएं हो रही हैं उनको, उनको रहने के लिए और 2 महीने से जब वो हैं तो ज़्यादातर मजदूर लोग हैं, उन लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही है। हमने निवेदन किया है और जल्द से जल्द बनाने की पूरी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज़ यूट्यूब चैनल और घरों में रहें सुरक्षित रहें।